राजस्थान में इस समय सियासत में तबादलों पर हाई टंच पॉलिटिक्स चल रही है। शब्द बाण से तैरती हुई नाव डुबाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मौका और बाउंड्री का चौका दोनों कांग्रेस के हाथ में है। भाजपा सरकार पर तबादलों की बारिश के लिए मोर्चा खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखा है और तंज की बरसात ऐसी है कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डोटासरा की बयानबाजी छाई हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सत्ता बदलती है, सियासत करने के मायने बदलते हैं, फिर बदलते हैं सियासी हथकंडे और इन सबके बीच बदलती है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि बिना ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर के सियासी हो या प्रदेश के कोई भी काम सुचारू रूप से होना संभव नहीं है। अब यही दौर राजस्थान में जारी है, जहां सियासत में तबादलों पर हाई टंच पॉलिटिक्स चल रही है। शब्द बाण से तैरती नाव डुबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौका और बाउंड्री का चौका दोनों कांग्रेस के हाथ में है। भजनलाल सरकार पर तबादलों की बारिश के लिए मोर्चा खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखा है। तंज की बरसात ऐसी है कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर डोटासरा की बयानबाजी छाई हुई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि डोटासरा ने कल क्या कहा। कलेक्टर आ रहा है, SDM आ रहा है, बुके लेके जा रहे हैं, जैसे उनका कोई मेहमान आया है और उन्होंने बुला करके उनको बुलाया है और वो उनको बुके दे रहे हैं और पता लग रहा है वो भूखा सूखा नहीं, उससे पहले भाई जी वापिस रवाना हो गए। एक साथ इतने तंज, पहले पर्ची से CM बनने का तंज, फिर पर्ची से तबादलों की घोषणा का तंज, डोटासरा यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने इशारों में ही ब्यूरोक्रेसी पर भी चुटकी ले ली। हालांकि इस पर BJP प्रवक्ता लक्ष्मीकांत ने पलटवार भी किया, वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी सरकार थी जिसमें प्रति महीना IAS अफसरों IPS अफसरों की लिस्ट आया करती थी और उनके ट्रांसफर हुआ करते थे। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके एक दर्जन से बाढ़ ज़्यादा ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए हैं। इसलिए गोविंद डोटासरा को और कांग्रेस को अपने गिरेबार में झांकना चाहिए कि वो क्या करते हैं। BJP इस पर अटैकिंग मोड पर आती उससे पहले 24 घंटे के अंदर आज डोटासरा फिर मुखर हुए और इस बार उन्होंने सहारा लिया ट्विटर का, जहां से उन्होंने तबादलों में जातीय पक्षपात के आरोपों की झड़ी लगा दी। हमारी TV स्क्रीन पर डोटासरा का वो ट्वीट है जो विस्तार से बता रहा है कि डोटासरा ने क्या कहा। पूरे प्रदेश में हाल ही में हुए ट्रांसफर में राजनीतिक दुर्भावना साफ देखी जा सकती है। कुछ नकारात्मक सोच के भाजपा नेताओं ने बदले की भावनाओं से सरकारी कर्मचारियों का जातीय आधार पर तबादला करा दिया। समाजों को बांटने की मंशा से किया गया यह कृत्य उचित नहीं, इसके दूरगामी परिणाम सुखद नहीं होंगे। CM भजनलाल शर्मा को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं डोटासरा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई कांग्रेस नेता भी तबादलों पर राजनीतिक दुर्भावना के आरोप लगा चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जिन तबादलों पर रार जारी है उन तबादलों का गणित क्या कहता है। भजनलाल सरकार में तबादलों का गणित, अब तक हुए करीब 1110 तबादले, 31 से ज्यादा तबादला सूचियां आ चुकी है। RAS की 13 लिस्ट, 764 RAS के तबादले, IAS की 10 ट्रांसफर लिस्ट, 169 IAS के तबादले, IPS की 8 तबादला सूची, 202 IPS के तबादले, IFS की 3 तबादला सूची, 39 IFS के तबादले। हालांकि इस पर BJP लगातार हमलावर है, लेकिन देखना यह है कि डोटासरा के अचूक होते हमलों पर भजनलाल और उनके मंत्री फ्रंट फुट पर बैटिंग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सियासतदानों की मर्जी से तबादले होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर प्रदेश में तबादलों पर सियासत हाई है तो मुमकिन है कि इस पर टकराहटें और बढ़ेंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत के जुबानी दावपेच आखिर जनता की नजर में किसको फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Rajasthan।